नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज मैं आपके लिए घरेलू उपाय लेकर आई हूँ बवासीर के लिए। जिनको भी बवासीर की प्रॉब्लम है उनके लिए बस एक चुटकी ही काफ़ी है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है बवासीर की, वो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है ये उपाय, तो पहले के बुज़ुर्ग सभी जाना करते थे इस उपाय को। तो पुराने ज़माने के जो भी उपाय थे, जो चलते थे, वही मैं लेकर आती हूँ और उसकी जानकारी आपको देती हूँ कि पहले इस तरह से ये उपाय किए जाते थे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी दो केले की। तो केले को सबसे पहले हम छील लेते हैं। तो जिस तरह से ये उपाय बताया जा रहा है उसी तरह से आप कीजिएगा। तो ये बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बड़ों को ही प्रॉब्लम होती है, बच्चों को तो बहुत कम होती है इस तरह की प्रॉब्लम बवासीर वगैरह की। तो केलों को हम बीच में से चीर लेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से दो पार्ट में हम इसमें चीरा लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों मैंने केले को बीच में से चीर लिया है, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब केले को हम चीर कर ऐसे ही रख देंगे प्लेट में। और देखिए, ये मेरे हाथ में है देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, पूजा वाला कपूर नहीं है ये। जो पूजा में जो टिकियां सी आती है कपूर की, वो कपूर नहीं है, आपने ओरिजिनल भीमसेनी कपूर ही लेना है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है ये कपूर। तो देखिए, आपको ओरिजिनल जो कपूर होता है वही आपको लेना है। पतंजलि में भी, पतंजलि का जो पूजा का सामान होता है उसमें जो कपूर मिलता है वो भी ओरिजिनल होता है, ऐसा रामदेव जी कहते हैं कि हम ओरिजिनल कपूर ही देते हैं। तो हमने केवल लेना है चने के बराबर, जो काला चना आता है उसके दाने के बराबर हमें दो पीस चाहिए। तो शुरुआत में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक पीस से भी कर सकते हैं, पर खुराक जो है वो दो पीस की बताई है। रामदेव जी ने भी अपनी एक वीडियो में इस उपाय को बताया है। पुराने ज़माने में ज़्यादातर सभी लोग इस उपाय को किया करते थे, जिनको भी बवासीर की प्रॉब्लम होती थी। तो दोनों दाने हैं उसको मैं एक कूटनी में डाल दूंगी और इसका हमने बारीक पाउडर बनाना है। तो बारीक पाउडर इसका बना लेना। अच्छी तरह से हमने पीस कर इसका जो बारीक पाउडर है वो बना लिया है। इसको अब निकाल लेते हैं एक चम्मच में। बड़ों के लिए बता रही हूँ ये, बच्चों के लिए नहीं बता रही हूँ। अब देखिए, जो हमने केले चीर कर रखे थे उसमें आपने चुटकी से बुरकाना है, इस तरह से जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं। तो एक दाने से भी शुरू कर सकते हैं आप। इसको तीन दिन खाना होता है, तीन दिन में ही कहते हैं कि इससे जो बवासीर है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अगर आप इस प्रयोग को करें तो अपने एक नज़दीकी वैद्य से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि देखिए सबके शरीर की प्रकृति अलग होती है, सबका बॉडी वेट अलग होता है। किसी किसी को किसी चीज़ से अगर एलर्जी हो तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने वैद्य से सलाह लेकर ही इस उपाय को आप अपनाना। अब देखिए, केले के एक पार्ट को हमने दूसरे पार्ट के ऊपर रख दिया। अब इसका इसी तरह से आपने सेवन करना है सुबह नाश्ते के बाद, खाली पेट नहीं खाना है, नाश्ते के बाद खाना है। तो अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो अपने वैद्य से सलाह ज़रूर लें। मैंने केवल आपको वीडियो इसलिए दी है ताकि आपको जानकारी मिल सके कि ऐसा उपाय भी किया जाता था बवासीर के लिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इसी तरह के घरेलू जो उपाय पहले किए जाते थे उसकी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।